वेलकम टू स्टैम्प फिडिस भाई, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टैम्प फिडिस में, जहां आप सीख रहे हो इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर, वो भी बड़े ही आसान से लफ्ज़ों में, आसान से शब्दों में और आसान वाक्यों में। आज फिर से निचोड़ के लाया हूँ, बहुत आसान से ट्रिक्स लेके आया हूँ, बहुत आसान से रूल्स लेके आया हूँ, जिसकी मदद से आप मिनटों में सिंगुलर का प्लूरल बनाओगे, प्लूरल का सिंगुलर बनाओगे बिना किसी मेहनत के। तो क्या तैयार हो, क्या तैयार हो सीखने के लिए इस नए टॉपिक को? मैंने पिछले लेसन्स में पिछले वीडियो में बताया था, ग्रामर की वीडियो में बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था डेफिनेशन, मैंने आपको बताया था कि आखिर नंबर होता क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ क्या है सिंगुलर प्लूरल और उसमें डिफरेंस क्या है, ये भी बता दिया है। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स और रूल्स का, जिसकी मदद से हम सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सके, ताकि हम अपने स्कूल और कॉलेज एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकें और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। तो इसके लिए क्या आप माइंडसेट के साथ तैयार हो सीखने? चलो सीखते हैं इस टॉपिक को, देखते हैं आखिर है क्या। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं अपने टॉपिक की तरफ, चलिए बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चल रहा है, 12 सेशंस में चल रहा है, आप सबके लिए चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी चल रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इंग्लिश बोले, हर इंसान इंग्लिश बोले, इंग्लिश की वजह से कोई पीछे ना रहे। चाहे आप पे करो, चाहे आप फ्री में पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, क्योंकि यहां मैं कवर करने वाला हूं 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ग्रामर, ग्रामर की 60 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को कवर करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्रुप डिस्कशन जो पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए वहाँ होना बहुत जरूरी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, आपको हर वीडियो, हर टॉपिक, हर लेसन आपके मोबाइल फोन पे सबसे पहले नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सब्सक्राइब करो और फ्री ऑफ कॉस्ट सीखो, इससे अच्छा सुनहरा मौका और कहीं नहीं है, सीखो। आज की ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं, तो आज की ग्रामर सेक्शन में हम बात करेंगे रूल्स टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बदलते हैं, और वाइस वर्सा, मतलब प्लूरल से सिंगुलर बनाना। देखो, एक ही रूल होगा, एक ही ट्रिक होगा, जिससे सिंगुलर से प्लूरल होगा वैसे ही प्लूरल से सिंगुलर ही बनाना होगा। तो समझते हैं बहुत ही आसान लफ्जों में, कोशिश करूंगा कि वीडियो को 10 मिनट में खत्म करूं, लेकिन बहुत सारे रूल्स हैं, हो सकता है ये वीडियो 20-25 मिनट का भी चला जाए, जा सकता है, इसके लिए माफ़ करना, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं एक काम करूंगा, इस वीडियो को 2 टुकड़ों में कर देता हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 कर देता हूँ, आपको भी आसान रहेगा, 10 मिनट की आज देख लेना, 10 मिनट की कल देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी में क्या कहते हैं व्याकरण में, जिन बच्चों ने व्याकरण पढ़ा है उनको करेक्ट करने के लिए बहुत आसान होगा। आइए जाने एक वचन को बहुवचन में कैसे बदले। तो हिंदी में सिंगुलर को एक वचन कहते हैं और प्लूरल को बहुवचन कहते हैं, उम्मीद है समझ आ रहा है। तो इससे पहले हम टॉपिक की तरफ जाएं, हमेशा की तरह इस बार भी वही सवाल है आपके लिए, और इस सवाल को वीडियो को रोक कर पढ़ो और समझो, व्हाई शुड वी लर्न रूल्स टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल, हमें जो ये रूल्स हैं, ट्रिक्स हैं, आखिर क्यों पढ़ना चाहिए, आखिर इसकी जरूरत क्या है, सोचो, पढ़ने से पहले सोचो क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों, एक सवाल आपके जहन में, आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि आखिर हम ये काम करें तो क्यों करें, इसका फायदा क्या है। लॉस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कोई काम करने का, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहली बात, सिंगुलर और प्लूरल, आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए रोको यहां पे और पढ़ो इन 2 पॉइंट्स को। पहला पॉइंट, फॉर बेटर यूज ऑफ नाउन, नाउन और प्रोनाउन के बेटर यूज के लिए, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल तो नाउन प्रोनाउन का ही बनता है, तो कहां पे सिंगुलर यूज करना है, कहां पे प्लूरल यूज करना है, प्लूरल यूज करना है तो प्लूरल होगा क्या, डॉग है तो डॉग्स होगा, वाइफ है तो वाइफ्स होगा, तो ये होगा कैसे, समझ रहे बात। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी बात को डिटेल में एकदम निचोड़ के रस बताऊंगा आपको आज। तो टू शो क्वांटिटी, क्वांटिटी भी बताने के लिए, क्या आखिर कितने हैं, 1 है 2 है 4 है, कितने हैं भैया। तीसरी अहम बात, एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस होते हैं, सिंगुलर प्लूरल एक अहम भूमिका निभाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपके स्कूल का एग्जाम हो, कॉलेज का एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कहीं भी
इवन इंग्लिश स्पीकिंग में भी सिंगुलर प्लुरल का बहुत अहम रोल है। इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते अगर आप सफल होना चाहते हो, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी। व्हाट इज करेक्ट यूज ऑफ सिंगुलर एंड प्लुरल? सिंगुलर प्लुरल का सही इस्तेमाल क्या है? सोचो, दो मिनट के लिए रोक दो वीडियो को, यहाँ पर अक्कल लिया है तो आगे बढ़ते हैं। It depends on the quantity either we want to show one or more than one. ये डिपेंड करता है क्वान्टिटी पे कि हम एक करना चाहते हैं या एक से ज़्यादा करना चाहते हैं। आप एक चीज़ दिखाना चाहते हो, एक से ज़्यादा दिखाना चाहते हो। एक दिखा रहे हो तो सिंगुलर होगा, एक से ज़्यादा दिखा रहे हो तो वो प्लुरल होगा। तो प्लुरल होगा तो वो होगा कैसा, और कैसा होगा तो वो होगा कैसे? तो कैसा होगा और कैसे होगा, इन्हीं दो सवालों के जवाब होने हैं यहाँ पे। तो हाउ मैनी, बहुत ही आसान सा, दो मिनट रोको, इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। गलत दब गया, एक मिनट। सो ये है व्हाट इज करेक्ट यूज ऑफ, ये वाला हमने पढ़ लिया है, अब इस पे बताते हैं। How many rules are there for changing singular into plural and vice versa? कितने रूल हैं सिंगुलर से प्लुरल को बनाने के लिए, और प्लुरल को सिंगुलर बनाने के लिए कितने रूल हैं? सोचो, गेस करो, हो सके तो गूगल भी कर लो, दो मिनट के लिए वीडियो को रोक कर। क्या कि कितने रूल हैं? गूगल पे जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, हर लाइन में दूसरा कुछ लिखा हुआ होगा, कहीं पे 30, 40, 50, 60 कुछ भी लिख रखा होगा। अब समझो कितने रूल्स हैं। There are more than 50 rules. Grammar के अकॉर्डिंग 50 से भी ज़्यादा रूल्स हैं जो लोग फॉलो करते हैं सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए। पर क्या 50 याद करना ज़रूरी है? क्या 50 हमेशा यूज होते हैं? नहीं, 50 हमेशा यूज़ नहीं होते हैं। उसमें तो कुछ ही हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम्स को देखते हुए और स्पीकिंग को देखते हुए। ऐसे रूल्स में बताऊंगा जो जनरल रूल्स हैं, जो आपको जिसकी ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। ऐसे जनरल रूल्स 21 ही हैं, 21 ही हैं। बट वी लर्न ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 रूल्स विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स। मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा। आप लाइन डेफिनेशन समझो ना समझो, एग्जाम्पल पे ध्यान ज़रूर देना। एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में भी एग्जाम्पल्स आएगा और लिखा हुआ होगा कि ये सिंगुलर है इसको प्लुरल बना के दिखाओ, या ये प्लुरल है इसको सिंगुलर करके दिखाओ। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ऐसा होता है कि एक लाइन होती है, वहाँ पे एक फिलर होता है। अब आपको डिसाइड करना है वहाँ पे सिंगुलर वाला भरेंगे या प्लुरल वाला भरेंगे। नीचे 4 ऑप्शंस होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि अगर हमें रूल्स ना पता हो तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो अब देखो इसको करना कैसे है, बहुत ही आसान है। बस प्रॉब्लम ये है किसी ने सही से समझाया नहीं, किसी ने भी आसान लफ्ज़ों में समझाया नहीं, पर मैं आज आसान लफ्ज़ों में समझाने वाला हूँ ये सारे 21 रूल को। सबसे पहले रूल की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही जनरल रूल है, ठीक है? तो इन जनरल एस इज यूज एट द एंड ऑफ अ सिंगुलर नाउन टू मेक इट प्लुरल। किसी भी सिंगुलर को प्लुरल बनाने के लिए उसमें एस लगा देते हैं। देखो, अगर कहीं कोई ऐसा वर्ड हो जिस पे बाकी रूल्स, मैं 21 पढ़ाने वाला हूँ, अगर 20 रूल उसमें ना लग रहा हो, 20 रूल नहीं लग रहा हो, तो ये 21वां वाला लगा देंगे, उसमें एस लगा देंगे। जैसे पेंसिल से पेंसिल्स हो जाएगा, काउ से काउज, हाउस से हाउसेस, डॉग से डॉग्स, मोबाइल से मोबाइल्स। सो ये रूल सबसे लास्ट में यूज करते हैं, ठीक है? मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगले रूल को समझते हैं। दो मिनट के लिए वीडियो देखो, जब भी मैं कोई एक रूल बताऊं, वीडियो को दो मिनट के लिए रोक लो, और जो सेंटेंसेस लिखे हैं, जो एग्जांपल्स लिखे हैं, उसको ध्यान से एक बार पढ़ो। ये नहीं कि बस मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ, आप तो बस वॉच कर रहे हो। वॉच नहीं करना, आपको पढ़ना है। मैं अपनी वीडियोज में आपको पढ़ाता हूँ, तो इस तरीके से फील करो कि आप क्लास में बैठे हो और आप पढ़ रहे हो, आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है। और ये एक बोर्ड है, ये आपका मोबाइल फ़ोन एक बोर्ड है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि आखिर पढ़ाया क्या जा रहा है। रूल नंबर 2 ये कहता है, इफ़ देयर एग्जिस्ट एस एस एच सी एच एक्स जेड इन द एंड। तो पहले ये कहता है कि अगर किसी भी शब्द के अंत में, आखिर में, शब्द के अंत में
अगर एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ठीक है, एक्स हो, जेड हो, ये लेटर्स अगर हैं तो उन शब्दों का प्लुरल बनाने के लिए उसमें ई एस लगा देते हैं। देख रहे हो, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। अब देखो, बस, बस के लास्ट में है एस, दिखा, बस के लास्ट में था एस, इसलिए इसको बना दिया बसेस, ई एस। डिश के लास्ट में था एस एच, इसलिए इसको बनाया डिशेस। ब्रांच, ब्रांच के लास्ट में था सी एच, ये वाला सी एच, इसलिए इसको ब्रांचेस कर दिया। फॉक्स के लास्ट में था एक्स, इसलिए इसको क्या किया, फॉक्सेस कर दिया। दिख रहा है रूल, समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में अभी पूछो बिना किसी भी लेट के। थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल भी बहुत ही करीब है सेकेंड वाले रूल से, इसलिए ध्यान से देखना इसको। While pronunciation of ch is like k and s added at the end. अगर ch का pronunciation, उच्चारण क है, क, जैसे यहां देखो monarch, patrick, क, monarch, क, patrick, क, यहां पर ch जो था वो क की तरह उच्चारण हो रहा है, तो ऐसे हालात में हम एस का इस्तेमाल करेंगे प्लुरल बनाने के लिए। अगर क उच्चारण ना हो उस केस में ई एस लगाएंगे। उम्मीद है समझ आ रहा है, ये एक एक्सेप्शनल रूल है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, ऐसे जो वर्ड्स हैं ये एक अपवाद है, ये एक्सेप्शंस हैं, इसको ध्यान जरूर रखना। चौथे रूल की बात करते हैं, ध्यान से पढ़ो, एक मिनट वीडियो को रोक लो और ध्यान से पढ़ो। उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा, अगर पढ़ लिया है तो चलो मेरे साथ पढ़ लो इसको। When there's a y in the end, when there's a y अगर आखिर में हो किसी शब्द के, और एक कॉन्सोनेंट, अब ये मत बोलना कि कॉन्सोनेंट नहीं पता क्या होता है, वॉल जो होता है a e i o u होता है उसको वॉल कहते हैं। देखो मैं लिख ही देता हूँ, हो सकता है बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि वॉल एंड कॉन्सोनेंट होता क्या है। a E I O और U, A E I O U, ये पांच लेटर वॉल हैं, इसके अलावा सारे लेटर्स जो हैं कॉन्सोनेंट हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है रूल, कि अगर किसी लेटर के आखिर में Y हो, दिख रहा है Y हो, और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, समझो इस चीज़ को, अगर इससे पहले कॉन्सोनेंट हो, R क्या है, कॉन्सोनेंट है, A E I O U में से थोड़ी ना है। अब आर्मी में देखो वाई है, वाई से पहले क्या है, एम है, एम एक कॉन्सोनेंट है, अगर किसी लेटर वाई, वाई है, वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर कोई भी दूसरा लेटर है, उस केस में प्लुरल बनाने के लिए ई एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। देखो फ्लाई वाई है आखिर में, और उससे पहले क्या है, एल है, एल एक कॉन्सोनेंट लेटर है, वो वॉल नहीं है, इसलिए उसका भी फ्लाइज हो जाएगा, फ्लाई से फ्लाइज हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मुझे बताना। पांचवें रूल की बात करते हैं, पांचवें रूल को ध्यान से पढ़ो, समझो इसको। बट इफ देयर्स अ वॉल अहेड ऑफ दैट वाई, नो नीड टू चेंज इट, ओनली एस टू एड। अब देखो वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगाना है, ई एस लगाना है। वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो ई एस लगाना है, ठीक है, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो ई एस लगाना है, और अगर वॉल है ए ई आई ओ यू में से कोई है तो सिर्फ एस लगाना है। अब देखो ध्यान से, वाई से पहले ई है, वाई से पहले ओ है, वाई से पहले ए है, वाई से पहले ओ है, वाई से पहले ए है, तो ये ए ई आई ओ यू, ये जो लेटर्स हैं ये वॉवल लेटर्स हैं, तो वाई से पहले अगर वॉवल लेटर होगा तो हमारा जो प्लुरल बनेगा वो एस जोड़कर बनेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। डाउट है पूछो। देखो एग्जांपल में डंकी डंकीज, टॉय टॉयज, सिर्फ एस लग रहा है, डेज एस, जॉयज एस, प्लेज एस, सिर्फ एस लगाया गया है क्योंकि वाई से पहले वॉवल था। वॉवल कहते हैं ए ई आई
ओ और यू को, क्लियर है। अब छठे रूल की बात करते हैं, वी रिप्लेसेस एफ और एफ ई एंड देन एड्स एन ई एस टू फिनिश इट। अगर किसी भी लेटर के आखिर में, अगर किसी भी सॉरी वर्ड के आखिर में, शब्द के आखिर में एफ हो, एफ या एफ ई हो, एफ या एफ ई हो, दिख रहा है, थीफ के लास्ट में एफ है, वाइफ के लास्ट में एफ ई है, तो उसमें हम वी ई एस लगाते हैं, तीन लेटर का चेंजेस करते हैं, यहाँ पे तीन लेटर चेंज कर देते हैं। थीफ का थीप्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, वोल्फ का वोल्फ्स हो जाएगा, लीफ का लीव्स हो जाएगा, क्योंकि आखिर में एफ है और एफ को चेंज करते हैं वी में, और वी में चेंज करके ई एस लगा देते हैं। उम्मीद है ये क्लियर होगा। सातवें रूल की बात करते हैं, ई एस की टू बी एडेड इफ द नाउन इज फिनिश्ड बाय ओ एंड कॉन्सोनेंट प्लेसेस अहेड। अगर किसी, फिर से कॉन्सोनेंट का फंडा है, देखो कॉन्सोनेंट समझो, फिर से कॉन्सोनेंट आ रहा है, कह रहा है अगर कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट जो हो ओ के पहले हो, अगर किसी भी शब्द में कॉन्सोनेंट ओ से पहले आ रहा है, ओ हो, देखो हीरो में ओ है, ओ से पहले आर है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम ई एस लगाएंगे, दिख रहा है, हीरो ओ था तो ओ से पहले कॉन्सोनेंट आर था, इसलिए ओ के बाद ई एस लगा रहे हैं। मैंगो को देख लो, मैंगोज हो गया ही, जीरो को देखो जीरोज हो गया, पोटैटो को देखो पोटैटोज हो गया, इको को देखो इकोज हो गया, ठीक है। उम्मीद है ये क्लियर होगा। कुछ जगहों पे ये कहा जाता है कि जीरो जो है प्लुरल है, हम मान सकते हैं जीरो को प्लुरल, पर बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है जीरो का जीरोज भी बनता है, जीरो को प्लुरल कंसिडर करते हैं कुछ ग्रामर में, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। आठवें रूल की बात कर रहे हैं, बट व्हेन दिस अ वॉल बिफोर ओ, देखो ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, ओ से पहले, अगर ओ से पहले, सातवां रूल कहता है सातवें में ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो ई एस लगाएंगे, और ओ से पहले अगर वॉवेल हो, अगर वॉल हो ए से पहले, ओ से पहले वॉल हो तो सिर्फ एस लगाएंगे, जैसे कुकू, कुकूज, बैम्बू, बैम्बूज, स्टूडियो, स्टूडियोज, देखो तो ओ था, ओ से पहले वॉवेल ओ था, ओ से पहले वॉवेल ओ था, ओ से पहले वॉवेल आई था, इसलिए सिर्फ एस लगाएंगे, वॉवेल पहले होगा तो एस लगेगा, कॉन्सोनेंट होगा ई एस लगेगा, क्लियर है। समझ जाओ, एग्जाम्पल पे ध्यान दो, सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल पे ध्यान देना, क्योंकि आपको अपने स्पीकिंग में, आपको अपने राइटिंग में एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करना है, डेफिनेशंस नहीं करने। नौवीं की बात करते हैं, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको ध्यान से पढ़ो। दो देयर इज एन ओ, कुछ ऐसे भी शब्द हैं, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके पहले कॉन्सोनेंट होता है, इसके बावजूद उसमें सिर्फ एस लगता है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो इसके बावजूद ओ के आगे एस लगता है, ठीक है। ये कुछ अपवाद हैं, ये कुछ अपवाद हैं, इनके पहले कॉन्सोनेंट है इसके बावजूद एस लगता है, ई एस नहीं लगता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस लगना चाहिए, पर ये ऐसे कुछ शब्द हैं जहाँ पे सिर्फ एस लगेगा, जैसे फोटो का फोटोज, पियानो का पियानोज हो जाएगा, रेडियो का रेडियोज हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, आई होप सो। ओवर होगा रुक जाना, मत देखना आगे, जितना समझ में आ रहा है बस उतना ही देखना, आज सारे रूल्स मत देखना, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन है, ये वॉवेल वालों के लिए है, फॉर सम एस एंड ई एस बोथ आर करेक्ट। कुछ ऐसे भी ओ वाले शब्द होते हैं, मतलब ओ से पहले कॉन्सोनेंट होगा, और ऐसे कुछ शब्द हैं अगर उसमें आप एस लगाओ तब भी सही है, ई एस लगाओ तब भी सही है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ। ये कुछ ओ वाले शब्द हैं, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, आप देख रहे होंगे, इसके बावजूद इसमें आप एस लगाओ तब भी सही है, ई एस लगाओ तब भी सही है। मॉस्क्यूटो का मॉस्क्यूटोज, कमांडो का कमांडोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप एस लगा रहे हो तब भी सही है, ई एस लगा रहे हो तब भी सही है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, गलत नहीं समझना है इसको, जैसे लर्न का जो होता है पास्ट टेंस, फिर लर्न्ड भी होता है, लर्न्ड भी होता है, दोनों होता है,
ठीक उसी तरीके से ये भी कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अपना अलग ही टेंडेंसी चलती है। बात करते हैं नौवें रूल का, बहुत ही आसान सा रूल है, सम रिक्वायर्स चेंज द मिडिल वॉवल ऑफ द वर्ड टू मेक इट प्लुरल। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसके बीच के वॉवल को, ध्यान देना, वॉवल को चेंज करेंगे, कॉन्सोनेंट को चेंज नहीं करेंगे, ए ई आई ओ यू, बस इन्हीं लेटर्स को चेंज करेंगे और वो प्लुरल हो जाएगा। अब देखो मैन में बीच में ए है, इसको अगर मैन के ए को ई कर देंगे तो ये प्लुरल हो जाएगा, मैन मेन। प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग गलत करते हैं, मैन मेन। अब ये है वुमन, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन में बहुत लोग गलती करते हैं, वुमन का जो है ए, ए जो है चेंज हो जाएगा ई में, तो ये हो जाएगा वीमेन, वीमेन, वीमेन मतलब बहुत सी औरतें। फूट, दो ओ है, ओ वॉवेल होता है, इसको ई में चेंज कर दिया तो फीट प्लुरल हो गया। माउस, माइस, टूथ, टीथ। अगर प्रोनाउंसिएशन में आपकी प्रॉब्लम है तो मेरे साथ रिपीट करो, आपको फायदा होगा, पीछे करो वीडियो को और जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो इसको मेरे साथ प्रोनाउंस करो, मेरे साथ रिपीट करो, दो तीन बार ऐसा करो, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी। दसवां बहुत ही अच्छा वाला रूल है, ध्यान दो इस पे, सम रिक्वायर ई एन आई एन। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें ई एन, आर ई एन और एन ई, और एन ई जोड़कर, और एन ई जोड़कर क्या करते हैं, हम प्लुरल बनाते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, ऑक्स का ऑक्सेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, बहुत से लोग चिल्ड्रेंस भी कर देते हैं, चिल्ड्रेंस गलत है, चिल्ड्रेन सही है, ध्यान रखो। अब कुछ देखो डबल वाले, ब्रदर, ब्रदरेन होता है और ब्रदर्स, दोनों ही सही है। काउ का कीन होता है और काउज भी सही है, दोनों ही सही होता है। अब देखो आगे चलते हैं 11वें रूल की तरफ। अब 11वें रूल में क्या कहता है, एस टू बी एडेड व्हेन देयर इज अ फुल इन द एंड। अगर किसी शब्द के आखिर में, अंत में एफ यू एल, फुल, फुल हो तो उसमें सिर्फ एस लगा देते हैं। अब देखो हैंडफुल, हैंडफुल्स, आर्मफुल, आर्मफुल्स, स्पूनफुल, स्पूनफुल्स। अगर आखिर में फुल हो तो सिर्फ एक लीटर एस लगेगा, क्लियर है, बहुत आसान सा था। 12वें रूल को समझते हैं, बहुत सा आसान। इफ कंपाउंड नाउन कंटेन्स सेवरल वर्ड्स एस कम्स टू जॉइन विद द मेन पार्ट ऑफ दैट नाउन। अगर कोई कंपाउंड नाउन हो, मतलब ऐसा नाउन जो दो, एक से ज़्यादा नाउन के मिलने से बना हो। अब देखो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ, एक ब्रदर इन लॉ, एक से ज़्यादा शब्दों से बना है इसलिए इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। इस ब्रदर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है, ब्रदर है, इसलिए ब्रदर को ब्रदर्स कर देंगे, ठीक है। अगला देखो स्टेप ब्रदर, फिर यहाँ पे देखो ब्रदर मेन है इसलिए स्टेप ब्रदर्स हो जाएगा। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ में कमांडर मेन वर्ड है इसलिए कमांडर्स हो जाएगा इन चीफ। मेड सर्वेंट में सर्वेंट जो है मेन है इसलिए सर्वेंट्स हो जाएगा। ऐसे कंपाउंड नाउन जो कि एक से ज़्यादा शब्दों से बने, उसमें जो मेन वाला शब्द है, सबसे मेन वाला, उसमें सिर्फ एस लगाते हैं, सिर्फ एस लगाएंगे, क्लियर है। अगले रूल को समझते हैं, इन सम वीडियो को देखो, जब भी मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, नया स्लाइड आ रहा है, नया रूल आ रहा है, वीडियो को दो मिनट के लिए पॉज कर दो और खुद से पढ़ो कि आखिर इसमें लिखा हुआ क्या है, ज़्यादा समझ में आएगा, फिर मुझे सुनो। In some cases, S comes in every part to make it so. कुछ ऐसे भी शब्द हैं, कुछ ऐसे भी compound nouns हैं जहाँ पे हर शब्द में S लग जाएगा, हर उसके हर part को plural बना देंगे, plural बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे कि example है Lord Justice, तो Lord से Lords, Justice से Justices, मैन सर्वेंट, एम ए एन, इसको प्लुरल बना दिया, एम ई एन, सर्वेंट का सर्वेंट्स कर दिया,
मेन सर्वेंट्स। ओके देखो इसमें दोनों ही पार्ट को हम प्लुरल माना, बेसिकली ये एक एक्सेप्शन था। अगले रूल को समझते हैं, वीडियो को हमेशा रोक रोक कर पढ़ा करो खुद से, इससे आपकी रीडिंग अच्छी होगी। बिसाइड्स एडिंग एस ओनली इन द एंड गेट्स इट डन फॉर फ्यू, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें आखिर वाले पार्ट में एस या ईएस लगाकर प्लुरल बनाते हैं। अब देखो कैसे हो रहा है ये, बुक शेल्फ एफ के लिए क्या रूल था, एफ को हटाकर वी ई एस बनाते हैं। देखो बहुत से ऐसे भी एफ वाले वर्ड हैं जिसमें सिर्फ एस लगता है, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में बहुत सारे एक्सेप्शंस वर्ड हैं, बहुत सारे अपवाद हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसको आपको पढ़ना है, दो बार तीन बार पढ़ना है, समझना है, और बेसिकली सिंगुलर प्लुरल या रूल्स आपको समझ में आएंगे और याद होगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज के केस में। तो बुक शेल्फ हो जाएगा, वी ई एस लग गया, बुक केस बुक केसेस लास्ट वाले में एस लग गया, मेजर जनरल मेजर जनरल, सो मेजर जनरल्स लास्ट वाले वर्ड में एस लग गया। ये एक एक्सेप्शन है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, सम सिंगुलर नाउन्स हैव नो प्लुरल फॉर्म ओनली यूज इन सिंगुलर, कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन है एक वचन है जिसका प्लुरल नहीं होता है, उसको ऐसे ही यूज करते हैं। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है, अगर आप कर रहे हो गलती कर रहे हो। ब्रीड का ब्रीड्स नहीं होता है, एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर्स नहीं होता है। अगर मुझे यूज़ करना है तो इसी शब्द को सिंगुलर में भी यूज़ करेंगे और प्लुरल में भी यूज़ करेंगे। ये कुछ अपवाद हैं जिनका प्लुरल नहीं होता है। सिंगुलर भी यही है, प्लुरल भी यही है, सीधे लफ्जों में समझो, सिंगुलर भी यही है, प्लुरल भी यही है, दोनों ही यही है, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। 16 वीडियो 16th रूल, एडवर्सली सम आर ऑलवेज यूज एज अ प्लुरल फॉर्म, जैसे कुछ सिंगुलर थे जिनको हम प्लुरल नहीं बनाते हैं, वो सिंगुलर हो प्लुरल हो वो सेम वर्ड यूज होते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमें प्लुरल के फॉर्म में यूज करना है। बेसिकली ऐसा उन चीज़ों के बारे में होता है जो कि जोड़े में होते हैं हमेशा। अब देखो सीजर्स, जो कैंची होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, इसलिए इसमें हमेशा एस लगा होता है, सीजर्स। ट्राउजर्स, ट्राउजर में भी दो पार्ट होता है, हमेशा ध्यान देना, तो उसमें भी एस लगा जाएगा। ट्राउजर्स सीजर्स, आप इसका सिंगुलर नहीं बना सकते, आप सीजर नहीं बोल सकते, आप ट्राउजर नहीं बोल सकते, आपको सीजर्स और ट्राउजर्स ही करना होगा। इसका बस प्लुरल फॉर्म होता है, सिंगुलर नहीं होता है। ये भी एक तरीके का अपवाद है, एक तरीके का एक्सेप्शन है, समझ में आ रहा है। अगले रूल की तरफ चलते हैं, 17th की तरफ, दो सम नाउन सीम लाइक सिंगुलर बट एक्चुअली दे आर प्लुरल, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो कि लगते हैं कि एक वचन है सिंगुलर है पर वो होते प्लुरल हैं, ताज्जुब की बात है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है ऐसे शब्दों को प्लुरल बनाते हुए, जैसे कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑलरेडी एक प्लुरल वर्ड है, इसका गवर्नमेंट्स नहीं बना सकते हैं, गवर्नमेंट एक प्लुरल शब्द है। अगला पीपल, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड और लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा पीपल्स 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 करते रहते हैं, पीपल का पीपल्स नहीं होता है, पीपल ऑलरेडी प्लुरल है। अगर आपको सिंगल यूज करना है पीपल की जगह पे तो पर्सन का यूज करो, पर्सन और पीपल सिंगुलर और प्लुरल इस तरीके से इस्तेमाल करो, क्लियर है। इन चीज़ों का सिंगुलर नहीं होता है, ये सिंगुलर जैसे दिखते हैं पर ये होते हैं प्लुरल, क्लियर हो। 18th रूल की बात करते हैं, 18th रूल, सिंगुलर सम नाउन सीम लाइक प्लुरल दो दे आर सिंगुलर, अब कुछ ऐसे हैं भी हैं भाई साहब जो लगते हैं प्लुरल पर वो होते हैं सिंगुलर। सबसे खतरनाक वाला वेजेस, ये वेजेस जो है लगता है सिंगुलर बट ये है प्लुरल, सॉरी उल्टा हो गया, ये लग वेजेस ये लग रहा है कि प्लुरल है क्योंकि एस लगा हुआ है, लेकिन ये वेजेस जो है प्लुरल नहीं है, ये सिंगुलर है, एक वचन है। पॉलिटिक्स और फिजिक्स,
एथिक्स, न्यूज, ऐसे ये कुछ चंद एग्जांपल्स जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो इस तरीके से आते हैं, जो लगते हैं प्लुरल पर होते हैं सिंगुलर। तो ये बात की हमने रूल नंबर 18 की, अब बात करते हैं रूल नंबर 19 की। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सम हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लुरल फॉर्म, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका प्लुरल नहीं होता है, जैसे कि फिश, बहुत से लोग फिशेस बना देते हैं, तो फिश का जनरली फिशेस नहीं होता है, फिश का फिश ही होता है। ठीक उसी तरीके से डियर का डियर ही होता है, शिप का शिप, स्पीसीज कॉर्प्स कैनन। सो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका सिंगुलर भी सेम होता है, प्लुरल भी सेम होता है, इसका सिंगुलर प्लुरल अलग नहीं होता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखो 20वीं की बात करते हैं। इन केस ऑफ लेटर्स और नंबर्स, ध्यान से पढ़ो, लेटर अक्षर और नंबर के केस में, या फिर कोई भी सिंबल हो उसके केस में, एस्ट्रॉफी एस, एस्ट्रॉफी एस इसको बोलते हैं, एक रुको छोटा सा कॉमा दिया और एस लिख दिया, छोटा सा कॉमा दिया एस लिख दिया, इसको एस्ट्रॉफी एस कहते हैं। देखो जी के आगे एस्ट्रॉफी एस, एस्ट्रॉफी एस, एस्ट्रॉफी एस, एस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। तो एपोस्ट्रॉफी हम लगाते, एपोस्ट्रॉफी हम लगा करके सिंगुलर को प्लुरल बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, मान लो सैम राइट योर जी एस एंड वाइज क्लियरली, सैम क्या लिख रहा है आपके जी लेटर को और वाई लेटर को क्लियरली लिख रहा है, तो एक से ज़्यादा है तो हो जाएगा जी, अगर एक जी लिख रहा है तो जी होगा राइट योर जी, बट एक से ज़्यादा अगर जी को लिख रहा है तो जी एस, एस्ट्रॉफी एस लग जाएगा। अगर एक फाइव होता तो वो लिखता कि वो दो एक फाइव लिख रहा है आपके लिए, पर एक से ज़्यादा है तो फाइव्स, ओके एस्ट्रॉफी एस लगाते हैं वहाँ पे। ये लेटर और नंबर के केस में होता है, लेटर नंबर और सिंबल के केस में होता है। एट द रेट मान लो सिंबल लगा रहे हैं फुल स्टॉप, ही इज करेक्टिंग योर फुल स्टॉप्स, एस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, ठीक है। लास्ट और आखिर बट नॉट द लेस, ये है प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे सारे प्रोनाउन की और इसको आपको याद करना पड़ेगा, सबसे बड़ी मजबूरी ये है क्योंकि इसका फिक्स है, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। अब देखो सिंगुलर प्लुरल होता क्या है, आई का वी होता है प्लुरल, माई का आर, माइन का आस, मी का अस, यू का यू, यू का यू होता है, यू का यू होता है, एक दो वर्ड्स पहले यूज होता था पर बहुत पहले ख़त्म हो गया। अगर आप कुछ पुराने राइटर्स के पोइम पढ़ोगे तो उसमें दो करके एक वर्ड आएगा जो यू के सिंगुलर प्लुरल में इस्तेमाल होता था, पर अब यू का यू ही होता है। ही शी दोनों के लिए दे का इस्तेमाल करते हैं, हिम हर के लिए देम का इस्तेमाल करते हैं, योर के लिए योर ही होगा, जैसे यू के लिए यू है योर के लिए भी योर ही है, इसका डिफरेंट वर्ड नहीं आता। दिस सिंगुलर होता है, इसका प्लुरल होता है, दीज दैट का दोज, इट का दे, हिज हर का देयर। उम्मीद है ये क्लियर होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लो। कभी भी आई एक इंसान के लिए, एक से ज़्यादा खड़े हो तो वी कर लेना, और कोई एक खड़ा है तो यू रखना, और ज़्यादा भी खड़ा हो तब भी यू ही इस्तेमाल करेंगे। यू बड़ा कन्फ्यूजिंग है, अगर आप यू कह रहे हो तो इसे क्या मतलब है, एक के बारे में बात हुई या एक से ज़्यादा का, ये डिपेंड करेगा आपके आगे जो आपके सेंटेंस हैं, आपके जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बताएगा कि आपने जो यू यू इस्तेमाल किया है वो सिंगुलर है या प्लुरल है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो ये थे 21 रूल आपके लिए, होमवर्क बहुत आसान सा है। व्हाट डिड यू लर्न इन दिस वीडियो, इस वीडियो में आपने क्या सीखा, इसको जवाब दो फटाफट कमेंट सेक्शन में, और रात को ग्रुप डिस्कशन में भी इस पे पार्टिसिपेट करना मत भूलना। दूसरी बात, हमारा जो अगला टॉपिक है वो जेंडर है, हम जेंडर के बारे में बात करेंगे कि आखिर कितने तरीके के जेंडर होता है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, क्या बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे जेंडर लेसन में, जो स्टार्ट करूंगा अगले वीडियो से ग्रामर की, ओके। इसके बाद लास्ट में वही सेम सा रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब करें चैनल को, आपके सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन, ताकि मैं बहुत सारे लेसन्स करूँ, क्योंकि आपको भी पता है मैं 230 लेसन करने वाला हूँ इंग्लिश स्पीकिंग की, 60 से ज़्यादा लेसन करने वाला हूँ ग्रामर की, और इस तरीके से मिलाकर देखो तो 1000 से भी ज़्यादा टॉपिक्स हो जाएंगे। तैयार हो सीखने के लिए,
तैयार हो सीखने के लिए पूरी एनर्जी के साथ, क्योंकि आपको अपना एफर्ट तो डालना ही है प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।